ये आपका रूबीज किचन में, और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ रक्षाबंधन स्पेशल चॉकलेट से बनी मिठाई की रेसिपी। तीन तरह की मिठाइयाँ बनाया है मैंने और तीनों ही टेस्टी और साथ में ये हेल्दी भी है फ्रेंड। तो चलते हैं फिर पहली मिठाई की तरफ। तो इसे मैंने ड्राई फ्रूट से बनाया है, तो इसके लिए कीनिया खजूर लिया है यहाँ पर 7 से 8। तो हम बिना चीनी गुड़ मिश्री के बनाने वाले हैं। तो इस मिठाई को मीठा करने के लिए हमने धनिया खजूर का यूज किया है, 10 से 12 काजू लिया है, अखरोट आधा कप से थोड़ा सा कम, और बादाम लिया है यहाँ पर 15 से 20। तो पहले कॉटन के कपड़े पे अच्छे से रब करके पोंछ लिया है, और इसके बाद अब इसे पैन में 1 चम्मच घी के साथ हल्का सा भून लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा मिठाई में हमारे। तो फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट आप वही ले जो आपके पास है, या इसे आप मूंगफली के दानों के साथ भी बना सकते हैं। इसी तरीके से भूनने भूनने के बाद छिलके को उतारने के बाद यूज करें मिठाई के अंदर, जैसे हम ड्राई फ्रूट का बना रहे हैं। ड्राई फ्रूट हमारे भून चुके हैं, तो अब इसे हल्का सा नॉर्मल कर लेंगे। उसके बाद मिक्सी में हमें पल्स मोड पर पीस लेना है, इसे बारीक नहीं करना है, यानी कि पाउडर इसका नहीं बनाना है हमें। पाउडर बनाएंगे तो फिर इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे पल्स मोड पे करते हुए मैंने दरदरा पीस लिया है। तो अब सेम मिक्सी की जार में हम किमिया खजूर को भी पीस लेंगे, तो बीज को निकाल लेना है, उसके बाद ही इसे हमें पीसना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये आसानी से इसके बीज बाहर आ जाते हैं इससे। अगर आपको दिक्कत हो तो 1 चम्मच घी डालकर इसे पीसे। मैंने इसे ऐसे ही पीस लिया है और ये आसानी से पीस चुका। बीच में 1 से 2 बार चमचे से इस तरीके से करते हुए वापस से इसे ग्राइंड करेंगे तो ये आसानी से पीस जाता है। तो अब पहले से ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट के मिक्सचर में खजूर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ये डो जैसा बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच नारियल का भूरा डालेंगे, जिससे ये और ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगा मिठाई हमारा। इस मिठाई को आप रक्षाबंधन या ऐसे भी आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। जो बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कई बच्चे नहीं खा पाते हैं ड्राई फ्रूट, तो इस तरीके से आप उन्हें अगर बना कर देते हैं तो बच्चों को एक अलग सा रेसिपी दिखता है, जो देखने में भी और खाने में भी उन्हें थोड़ा सा आकर्षित करता है, तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 फोम में आ चुका है हमारा ड्राई फ्रूट और खजूर का मिक्सचर, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डो निकाल के रख दिया है। इसे मैं अगली मिठाई में यूज करूँगी। बाकी के डो को हम इस तरीके से लेंगे, छोटी छोटी लोइया बनाते हुए हाथों से इस तरीके से स्मूथ कर देंगे, और बीच में इस तरीके से गैप यानी कि स्पेस बना लेंगे, रोटेट करते हुए स्मूथ कर लेंगे। तो ये दिए जैसा दिख रहा है, यानी कि दिए का सेप दिया है मैंने। तो इसी तरीके से सारे डो से हमें छोटी छोटी लोइयां लेकर दिया बना लेना है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने चॉकलेट लिया है, मिल्क कंपाउंड का 1.5 स्लैब लिया हुआ है। अगर इस तरीके की चॉकलेट आपके एरिया में नहीं मिले तो आप नॉर्मल डेयरी मिल्क से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और यहाँ पर वाइट कंपाउंड थोड़ा सा लिया हुआ है। कंपाउंड वाले चॉकलेट थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, तो इसीलिए अगर आपके एरिया में मिले तो आप इससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, और इससे आप बहुत सारी रेसिपी और भी बना सकते हैं चॉकलेट की। तो अगर आपको नहीं मिले तो आप नॉर्मल डेयरी मिल्क यूज करें। तो मैंने 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करके मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट को मेल्ट करना बहुत ही आसान है, इसे आप डबल बॉयलर की मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। नीचे से आप कोई छोटा सा बर्तन में गर्म पानी कर ले, उसके ऊपर से चॉकलेट रख कर यानी कि चॉकलेट वाली बाउल को रख दे, डायरेक्ट आप इसे गैस पर नहीं रखें, नहीं तो फिर आपका चॉकलेट जल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सभी दियों को यानी कि जो स्पेस बनाकर हमने रखा हुआ था उसके अंदर भर दिया है मिल्क कंपाउंड वाले चॉकलेट को, और जो थोड़े बहुत मैंने खाली रखे हुए हिस्से को ऊपर के, तो उसमें मैंने थोड़े से व्हाइट वाले भी रख दिए हैं। तो इस तरीके से ये 2 लेयर में बनेंगी, यानी कि व्हाइट ऊपर से और नीचे से मिल्क कंपाउंड। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसके बाद
इसे हल्का सा टैप कर लेंगे तो ये आसानी से अंदर तक बिल्कुल सेट हो जाता है चॉकलेट हमारा। इतना सुंदर देखिए, इसके लिए ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता लगा दिया है मैंने, और आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें, उसके बाद इसे सर्व करें। तो हमारी पहली मिठाई ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट बनकर रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दिखने में सुंदर लग रहा है और खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब चलते हैं दूसरी मिठाई की तरफ। एक तो मैंने बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है फ्रेंड्स, और इससे पहले आपने कभी भी इस मिठाई की रेसिपी आपने चॉकलेट वाली नहीं देखी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस रेसिपी को देखी होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस मिठाई को बनाने के लिए 1 कप चना लिया है, वो मार्केट में मिल जाएगा। ये भुनी हुई चना है, इसके छिलके मैंने पहले से ही रब करते हुए उतार लिए, छिलके आसानी से इसको उतर जाते हैं। तो इसे अब बारीक पीस लिया है मैंने। इसमें मीठा करने के लिए 2 चम्मच गुड़ लिया है, गुड़ की जगह आप मिश्री या चीनी का भी यूज कर सकते हैं। दोनों को ही मैंने अच्छे से कंबाइन करते हुए पीस लिया है, और आप जब एक साथ इसे पीसेंगे तो इस तरीके से ये दरदरा होगा, जैसे गुड़ को हम अलग से ग्राइंड करते हैं तो वो चिपचिपा हो जाता है, तो ये उस तरीके से नहीं होगा। गुड़ का अगर पाउडर आपके पास है तो आप वही यूज करें। यहाँ पर चॉकलेट स्वीट्स की रेसिपी, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक है फ्रेंड, इससे पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चॉकलेट से बने हुए स्वीट्स में इंटरेस्ट है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ में ये हेल्दी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने जो पिछली वाली स्वीट्स की रेसिपी बनाई थी उसमें जो डो रेडी किया था हमने ड्राई फ्रूट्स और खजूर का, ये वही डो है। तो इसमें मैंने बारीक कटे हुए थोड़े से पिस्ता डालकर और इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप देते हुए छोटे छोटे पीस में मैंने रेडी कर लिया है। तो चने का जो अब हमारा मिक्सचर है इससे हमें डो बनाना है, तो डो बनाने के लिए घी या दूध दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध का यूज किया, 2 चम्मच दूध से हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड दूध से थोड़ा सा हमारे इस स्वीट्स की रेसिपी की सेल्फ लाइफ कम होगी, यानी कि इसे 3 से 4 दिन तक ही रख कर खा सकते हैं। अगर घी से अगर हम इसे रेडी करते हैं डो को तो ये आराम से 10 से 12 दिन तक भी ख़राब नहीं होता है। तो चॉकलेट की रेसिपी है तो ज़्यादा दिन बच्चे रख के वैसे भी नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने इसे दूध से ही रेडी किया है। लंबे समय तक के लिए रखना है तो आप यहाँ पर घी का ही यूज करें, 2 चम्मच घी में भी ये डो बनकर आसानी से रेडी हो जाता है फ्रेंड। तो अब डो से थोड़े थोड़े इस तरीके से पोर्शन लेंगे और हाथों से इस तरीके से स्मूथ कर ले पहले, बीच में इस तरीके से गड्ढा बना ले, और जो ड्राई फ्रूट का हमने मिक्सचर रेडी किया है सिलेंड्रिकल शेप में उसे इस तरीके से अंदर सेट करके ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करते हुए स्मूथ कर लेंगे हाथों से चारों तरफ से, जैसे ये बिल्कुल स्मूथ बनकर रेडी हो जाएगा रोल हमारा। तो इसी तरीके से बाकी सब हम रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट और खजूर का मिक्सचर नहीं बना हो या आप नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल ये नॉर्मल मलाई और नारियल का बोरा लेकर थोड़ा सा चीनी पाउडर मिक्स कर लें, उसके बाद इसे रेडी कर लें, और इस तरीके से भी आप इसे भर लेंगे तो ये आसानी से रोल बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो ड्राई फ्रूट खजूर वाला मिक्सचर आप इस तरीके से फिल कर ले जैसे हमने पहले किया है, या आप नारियल चीनी पाउडर और मलाई को तीनों को मिक्स कर ले उसके बाद इस तरीके से फिलिंग रेडी कर ले। तो जो आपको आसान लगे आप वही इसमें फिल करें अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों ही ट्राई किया है और दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे फ्रेंड्स। रेडी हो चुके हैं तो इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा होकर सेट हो जाए। और बाकी अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसे अब चॉकलेट में डिप करेंगे। तो चॉकलेट को पहले से ही मैंने मेल्ट कर लिया है, चॉकलेट की रेसिपी मैंने 2 स्लैब में कम्प्लीट किया, यानी कि चॉकलेट कंपाउंड जो हमारा था उसमें मैंने 2 स्लैब यूज किया है तीनों रेसिपी के लिए। चॉकलेट हमारा अब नॉर्मल हो चुका है, जब हम मेल्ट करते हैं चॉकलेट को तो हल्का सा गर्म हो जाता है, तो चॉकलेट को हमें टेम्परेचर नॉर्मल करने के बाद ही यूज करना है। तो हमारा रोल देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है डिप होकर। तो हमें एक बटर पेपर या ग्रीस किए हुए इसे आप प्लेट पे भी इस तरीके से रखते जाना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लेट को आप घी या तेल से ग्रीस कर ले, उसके बाद इस तरीके से रोल को डिप करते जाएं चॉकलेट के अंदर और इस तरीके से निकालते जाएं। तो सभी मैंने रोल्स को इसी तरीके से डिप करते हुए निकाल लिया है।
उनको निकालने के बाद चॉकलेट से अब ऊपर से हल्का सा डिजाइन दे देंगे। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कोई से भी डिजाइन दे सकते हैं। तो मैंने जल्दबाजी में ही कप वाले स्पून से ही इस तरीके से चॉकलेट को फैला दिया है। और मैंने मिल्क कंपाउंड और कुछ रोल्स के ऊपर मैंने इस तरीके से व्हाइट कंपाउंड का यूज किया है। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा देखने में ये अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने प्लेट में निकाल लिया। मैंने नीचे से इसकी शेविंग नहीं की है, मतलब कि एक्स्ट्रा चॉकलेट जो नीचे लगे हुए मैंने नहीं निकाला है, फिर वो वेस्ट चले जाते हैं। कटे हुए पिस्ता और नारियल का बूरा थोड़ा सा मैंने लिया है, मिक्स कर लिया है दोनों को और ऊपर से थोड़ा सा रख देंगे, तो इससे देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर और खाने में ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना था। फ्रेंड्स करके भी दिखा रही हूँ, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था फ्रेंड्स। और आप रोस्टेड चना के साथ चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी हल्का सा क्रश करके ऐड कर सकते, उससे जो अंदर की फिलिंग्स है वो हल्का सा क्रिस्पी लगेगा। ये वैसे भी क्रिस्पी लग रहा था जो हमने ड्राई फ्रूट्स और खजूर वाला मिक्सचर फील किया था उसकी वजह से। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो तीसरी चॉकलेट की मिठाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन की मोल्ड ली हुई है और इसमें पहले से ही मैंने ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम और थोड़े से बारीक कट करके पिस्ता फैला दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए इसीलिए मैंने इसमें एडिट नहीं किया है पूरा प्रोसेस। मेल्ट किए हुए चॉकलेट को इस तरीके से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम जो मैंने रखा हुआ है उसके बीच के मैंने दो हिस्से, बादाम के भी और काजू के भी हिस्से दो मैंने किए हुए हैं, उसके बाद इसमें रखा हुआ है। और इस तरीके से एक से दो बार टैप करके इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और 5 मिनट के बाद इसे हम वापस से निकाल लेंगे मोल्ड से और इसे अब हम उल्टा यानी कि जो नीचे का हिस्सा है उसे ऊपर और ऊपर का हिस्सा इसे नीचे रख देंगे। और अब ऊपर से भी बचे हुए चॉकलेट जो मेल्ट किए हैं उसे हम फैला देंगे। पर इस तरीके का सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप इसे इजली किसी भी बॉक्स में रख कर सकते हैं इस प्रोसेस को। नीचे बस बटर पेपर लगा दें या फॉइल पेपर तो आसानी से बाहर आ जाएगा, निकलते टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा। बिना मोल्ड के भी आप इसे फिर बना सकते हैं। ऊपर से भी इस तरीके से एक बार शेप दे देंगे। अब ऊपर से मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता, बीज, नारियल का बोरा, थोड़े से गुलाब की पत्तियां डाल दिया है और इसे अब 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। बाद इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है। अब इसे अपने मनचाहा शेप में इसकी कटिंग करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी और अंदर से जो हमने ड्राई फ्रूट फील किया फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची टेस्ट कर रहा था। अंदर सेट करें तो उसे हल्का सा पहले सेट करने से रोस्ट कर लें, उससे आपका जो ड्राई फ्रूट है वो काफ़ी लंबे समय तक क्रंची बना रहेगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो इसे मैंने स्क्वायर शेप कट किया है फ्रेंड्स, तो इसे पहले लंबा लंबा करके और फिर बीच से मैंने कट कर लिया है। हमारी चॉकलेट डिजर्ट्स कंप्लीट हो चुकी है और ये बहुत ही कम टाइम टेकिंग वाली रेसिपी है। ये बहुत ही कम टाइम में और बिना झंझट के बन जाने वाली स्वीट्स की रेसिपी है। बच्चों को ये बहुत ही आकर्षित करती है। और तीनों ही चॉकलेट की रेसिपी में से कोई सी भी चॉकलेट की रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।